आप सोच सकते हैं कि हम उनको बेंच पर बिठाएंगे? यार उसने पाकिस्तान को दो बहुत मेजर टाइटल्स जिताए हैं और मैं समझता हूँ अभी भी बहुत उसके पास क्रिकेट बाकी है, और जिस तरह दोनों कीपर बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो इसमें कोई राइवलरी नहीं होनी चाहिए। खामा खाई सुना है वो बन गया है मसला यहाँ पे, तो सरफराज मैं हमेशा कहता हूँ देखें आज छठा एडिशन है और फिर भी वो जज साहब यानी कप्तान है, और उससे अच्छा कप्तान इस वक्त पाकिस्तान के लिए मैं समझ है ही कोई नहीं। मैं शुरू से ही बात कहता हूँ बॉन्ड लीडर है, और इंशाल्लाह अब जब सरफराज आएगा तो आप उसको एक नए अंदाज में देखेंगे, और जैसे सब कहते हैं कि वो ऊपर खेले, इस दफ़ा उसको हम ऊपर ही खिलाएंगे। मैं तो आप देख लीजिएगा, अल्लाह करे दोनों साथ खेलें और कौन लंबे छक्के मारेगा। तो आज़म का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसके पास टाइम बहुत है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि आप लड़के को ऐसी जल्दी ना किया करें कि आप उसको बस टीम में डाल दें। वो आप भी कह रहे हैं नॉकिंग एट द डोर, अभी नॉकिंग एट द डोर बहुत टाइम चाहिए, आप उसको थोड़ा टाइम दें। और सरफराज जो है ना वो अपने करियर के प्राइम में है मेरे हिसाब से, अब आप देखिएगा जब वो खेलेगा इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है कि आज़म पाकिस्तान टीम में आएगा, लेकिन अभी उसका आप जैसे कहें ना फिटनेस के मसाइल हैं और दो तीन मसले हैं, लेकिन जब सीनियर होता है तो सीनियर सीनियर होता है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। हम नहीं कर सकते कि आज़म आके वो खेलने लगे, वो कीपर कीपिंग भी कर ले। सरफराज इज़ स्टिल अ वेरी गुड कीपर, आज़म इज़ ऑल्सो अ गुड कीपर, उसका फ्यूचर है, बट आई स्टिल बिलीव कि हम लोगों को टाइम देना चाहिए यंगस्टर्स को। रदी भाई क्या समझते हैं कि जो शेन वाटसन जो है ना उसको हम वाकई बहुत मिस करेंगे। मेरी बात हुई जब बीमार भी था मैं, तो ये कहता है अगर क्वारंटीन ही होता तो मैं आखिरी इनिंग्स खेलता क्वेटा ग्लैडिएटर से, लेकिन जो क्वारंटीन 14 दिन को आईपीएल में उसको करना पड़ा उससे हिम्मत ही टूट गई थी। तो अब वो वाकई हम मिस करेंगे, बहुत बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने बड़ा सर्व किया क्वेटा को, पीटरसन और शेन वाटसन, वो इंग्लैंड के दूसरे ओपनर जो थे वो हमारे साथ थे, लेकिन वो इंग्लैंड ड्यूटी पे सिलेक्ट हो गया, तो हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा वीक हो गया था। तो अब ये रिटायरमेंट के बाद तो ये इनके आने से फाफ डुप्लेसी और क्रिस गेल बाकी जो प्लेयर था इंशाल्लाह टॉप ऑर्डर अब अच्छा हो गया। टिकट तो एक यानी हमारे 5 साल से मैं बस कंडक्टर ही बना रहा जो टिकटें बांटते रहे, लेकिन इस दफ़ा होपफुली क्राउड भी अंडरस्टैंड करेगा, रिश्तेदार भी अंडरस्टैंड करेंगे लोग भी कि भाई इस दफ़ा टिकट्स वाकई कम है। आप दुबई में देखते थे बस्ता हाथ में होता था, टीम उधर लड़ रही होती, इधर हम टिकटों के चक्करों में रहे, तो होपफुली सब लोग समझ जाएंगे कि भाई इस दफ़ा कोविड की वजह से ज़रा कम वो है। अगर मैं नो कमेंट्स कहूँ तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हम लोग ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो हमें ये इस तरह के गाने ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, खामा खाएंगे। गाने से ज़्यादा खेल देखना है हमने, गाने तो चलते रहेंगे आते हैं, बट आई थिंक वाकई जो लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यूनिवर्स बॉस है, करे कुछ भी नहीं शायद, बट आई थिंक उसमें वो स्पार्क है, अगर वो हमें 2-3 गेम भी जिता दे तो बड़ी बात है। अभी हमने फाफ डुप्लेसी को लिया है और इंशाल्लाह टीम बहुत स्ट्रांग है, अल्लाह करे कि जो बच्चे हैं हमारा बॉलिंग अटैक यानी वो है जो आप ये समझ लें कि बच्चे हसनैन और ये लोग खेल रहे हैं, तो ये कुछ डेल स्टेन से सीखें और आगे आएँ, तो उम्मीद तो बहुत है। जैसे अभी बिलाल भाई ने कहा कि लड़ेंगे अच्छा, हार या जीत अल्लाह के हाथ में, देख लें तो क्या वो था। अभी सब कह रहे हैं उसको टीम में डाल दें, तो हम पे तो ये इल्ज़ाम है कि आपका लड़का हर जगह से खेल रहा होता है, माशाल्लाह हर फ्रेंचाइज में हमारे कुछ लड़के क्लब के खेल रहे हैं, तो ये बात नहीं है, जब टैलेंट आएगा तो लोग खिलाएंगे। ना हमें ज़रूरत है बात करने की, ना कभी बात करी, तो जैसा आपने अभी कहा कि आज़म और सर, तो ये और भी बहुत लड़के लाइमलाइट में आ रहे हैं, प्रोमिनेंस में आएंगे, और जितना PSL टैलेंट इस वक्त दे रहा है आपने देखा, मेरा ख्याल है 90% टीम या 80% तो PSL के लड़के खेल रहे हैं। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।